वेलकम बैक एवरीवन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैयद और क्लोदिस के बारे में। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में सलेब डायनेस्टी, खिलजी और तुगलक के बारे में ऑलरेडी जितना हमको चाहिए रिक्वायरमेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो हम यहाँ पर तीन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में जो चल रहा था 1206 से लेकर 1526 तक। तो हम इसके बारे में आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ लोगों का इंक्वायरी था कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। देखो, अगर मैं टाइम पीरियड पर पूरे हिस्ट्री को यहाँ पर शो करना चाहूँ, जैसे अगर मैं हिस्ट्री को शो करना चाहूँ, तो आपको जो है ना यहाँ पर तीन इसको हिस्से में डिवाइड करते हैं, 712 से लेके 1707 तक, और ये अभी तक का टाइम इधर, और ये पहले का। तो यानी कि 712 से पहले जो कुछ भी हुआ है उसको पढ़ेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको। और 712 से लेके 1707 तक, जब यहाँ पर औरंगजेब मर जाएगा, उस समय तक के हिस्ट्री को हम बोलेंगे मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1707 के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन तीन हिस्से में, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। और अगर मैं यहाँ पर अभी इसको चेक करूँ कि मेडिएवल हिस्ट्री में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं और कितना हमको पढ़ना है, तो हम स्टार्ट किए हैं 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है जो एक अरब था, और यहाँ तक पढ़ेंगे 1707 तक पढ़ेंगे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1206 में जो है ना दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो चुका है दिल्ली में, और इससे पहले यहाँ पर लड़ाई हुआ था 1191 और 1192 में दो युद्ध हुआ था, किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारेगा और दिल्ली में यहाँ पर मुस्लिम शासन शुरू हो जाएगा। तो इसी के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सलेब डायनेस्टी, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा खिलजी के बारे में, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर तुगलक आ गया जिसको हम पढ़ चुके हैं इतना तक। इसके बाद जो है ना हम सैयद के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसमें आगे चलकर लोदी के बारे में, ठीक है, लोदी और ये सैयद के बारे में। और इसमें देख सकते हो यहाँ तक जो है ना 1526 तक हम आ चुके हैं, इसके बाद मुगल शुरू हो जाएगा, इसके बाद मुगल यहाँ पर साम्राज्य शुरू हो जाएगा इधर। इसी में जो है ना, इसी के बीच में जिसे यहाँ पर तुगलक है, इसी समय जो है ना यहाँ पर निकल गया विजयनगर, टूट गया दिल्ली से, और नीचे बहमनी, दो राज्य टूट गया था दिल्ली से, टूटकर अलग राज्य बन गया। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर 1526 तक पढ़ लेंगे लोधी के बारे में, इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विजयनगर और बहमनी के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कहाँ पर हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, यूपीएससी फ्लिक्स। इसका नाम यूपीएससी फ्लिक्स इसलिए कि यहाँ पर आपको यूपीएससी के भी कुछ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको तो इसका, इस लेक्चर का नोट्स तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो लेक्चर के लिए, पीडीएफ के लिए। इसके बाद इसमें देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो सलेब डायनेस्टी के बारे में, ये है ममलूक यानी कि सलेब डायनेस्टी, इसका टेरिटरी यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। देखो खिलजी के समय जो है ना ये वाला रीजन भी खिलजी के अंदर में था, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं थे, ये लोग टैक्स भरा करते थे। और तुगलक के समय इसको भी इन्वेट कर लिया था, यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टेरिटरी था किसके पास, तुगलक डायनेस्टी के पास, और ये बाद में जाके ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा एक सैयद डायनेस्टी, और इसके बाद यहाँ पर लोदी है। तो हम पढ़ेंगे अभी सैयद के बारे में। तो सैयद डायनेस्टी को पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो इस मैप में देखो बहमनी ऑलरेडी बन चुका है तुगलक के समय, और नीचे विजयनगर भी तुगलक के समय ही बन चुका है। तो पहले विजयनगर ही बना था, बाद में बहमनी बना था, ये सब तुगलक डायनेस्टी से टूट कर ही बना था। और यहाँ पर ऊपर में खानदेश, और ये ऊपर में रहा दिल्ली सल्तनत, ये भी आहिस्ते आहिस्ते कमते चले जाएगा। और जो है ना यहाँ पर आक्रमण होगा तैमूर को, क्योंकि तैमूर का जो अंपायर था ना वो एक्सपेंड करना चाह रहा था हर तरफ में, ये इधर भी आक्रमण कर रहा था, इधर भी आक्रमण कर रहा था, हर तरफ कर रहा था आक्रमण। जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तैमूर तो इसको इन्वेड कर लेता है, और दिल्ली को लूटता है पूरा, और दिल्ली को लगभग तबाही कर देता है। और यहाँ पर अपने एक लॉयलिस्ट को यानी कि खिज्र खान को यहाँ पर बैठाएगा, और ये खुद वापस चला जाएगा अपने अंपायर में। और इससे कहा जाता है कि यहाँ पर जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे उनमें से कुछ हिस्सा हमको यहाँ पर पहुँचा देना, और यहाँ पर तुम अपना शासन करो, बेसिकली यही अग्रीमेंट था इसके बीच में। तो यही चलते रहेगा आगे जाके, और आगे देखते हैं आप सैयद डायनेस्टी के बारे में।
तो सैयद डायनेस्टी को देखो, इसका टाइम पीरियड 1414 से लेके 50 तक चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहीं पर जो है ना, इससे पहले तैमूर यहाँ पर आक्रमण कर चुका था। तो खिजर खान 1414 से लेके 21 तक चलेगा इसका टाइम पीरियड। ये सबसे पहला सैयद वंश का शासक है, सबसे पहला जिसने इस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी को। तो तैमूर नॉमिनी है ये, कैप्चर्ड दिल्ली, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान। ये सुल्तान वाला काम तो कर रहा था दिल्ली में, लेकिन ये अपने आप को सुल्तान बोलता नहीं था, क्योंकि इसको डर था तैमूर का भी कि अगर मैं खुद को सुल्तान यहाँ पर घोषित कर दूँ एक अलग साम्राज्य, तो हम पर ही आक्रमण कर देगा फिर से तैमूर। तो इसीलिए अपने आप को सुल्तान नहीं बोला करता था। जब इसका बेटा आएगा ना, यानी कि इसका वंशज, यहाँ पर आगे देखो मुबारक शाह, ये सब अपने आप को सुल्तान कहना शुरू कर देगा। और इस समय तक, खिजर खान के समय तक, दिल्ली के कुछ रीजन पर था और दिल्ली के आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट पर इसका शासन था, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी बाकी सब साम्राज्य टूट ही चुके थे, बहुत सारे क्षेत्र अलग हो चुके थे दिल्ली से, अब इसको इकट्ठा करना था फिर से। तो खिजर खान 21 तक रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर आएगा 21 में मुबारक शाह, 21 से लेके 34 तक। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक ठाक था रूलर, 21 से लेके 34 तक इसका शासन भी लगभग 13 साल के लिए चला। और इस दौरान इसने जो है ना, कुछ रीजन को इन्वेड भी किया, कुछ एरिया को एक्सपेंड करना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो गंजेटिक दोआब वाला रीजन, ये अलग हो चुका था है ना, इसको फिर से अपने में शामिल करेगा, और कुछ और रीजन इसको शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा अपने जो कोर्ट में नोवेल्स थे इसके कोर्ट में, उसका जो है ना उतना सुना नहीं करता था। और जो भी कोर्ट में जो पॉलिटिकल पावर है बाकी सुल्तान के अलावा, वो भी चाहते हैं कि मेरा भी इन्फ्लुएंस रहे साम्राज्य में, और उसको इतना ये वैल्यू नहीं कर रहा था। तो सभी ने षड्यंत्र के जरिए इसी को मार दिया। यहाँ पर देख सकते हो, ही वॉज किल्ड बाय द नोवेल्स इन हिज ओन कोर्ट, यानी कि इसके कोर्ट में जो भी नोवेल्स थे ना, नोवेल्स का मतलब ये है कि जैसे एक काउंसिल है सुल्तान का, तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल लोग होंगे, इसी को नोवेल्स कहा जाता था उस समय। तो यही लोग जो है ना षड्यंत्र के जरिए यहाँ पर मुबारक शाह को मार देगा, और अपने हिसाब से अगले जो मोहम्मद शाह आने वाले हैं उसको यहाँ पर गद्दी पर बैठा देगा, और उसको फुल कंट्रोल करने वाला है यही नोवेल्स, यानी कि इसके जो मेंबर होंगे काउंसिल के। तो देखते हैं अगले शासक शासक के बारे में, मोहम्मद शाह। यहाँ पर देख सकते हो मोहम्मद शाह, इसका टाइम पीरियड यहाँ पर 6 से 9 साल के लिए चला, लेकिन ये एक कठपुतली सरकार था ऐसे कह सकते हैं। इसको चला रहा था कौन है, नोवेल्स, जो इसके कोर्ट में थे। और यहाँ पर देख ही सकते हो कि नोवेल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन। अब यहाँ पर किंग मेकर कौन थे, इसके कोर्ट के नोवेल्स थे, तो पावर भी यही रखेंगे अपने हाथ में, बस ये नाम का था राजा है ना, बस इसको दिल्ली में ही राज करने का परमिशन था कुछ रीजन में, और इसके आसपास जितने भी इसके टेरिटरी थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जितना भी ज़मीन था दिल्ली वाले रीजन को छोड़ के, वहाँ पर इसी का राज था, यानी कि नोवेल्स ही रूल कर रहे थे रेस्ट ऑफ पार्ट कहाँ के, दिल्ली सल्तनत के। तो बेसिकली यही सीन था कि मोहम्मद शाह कठपुतली सरकार था, और इसका जो फुल पावर था वो नोवेल्स अपने हाथों में लेकर रखे हुए थे, क्योंकि यही थे किंग मेकर। और इसके बाद बनेगा यहाँ पर आलम शाह, और इसका टाइम पीरियड देख सकते हो 43 से लेकर 91 तक है ना, यानी कि 7-8 साल के लिए बनेगा ये। इसके बाद यहाँ पर जो अगला राजा बनेगा वो बनेगा बहलोल लोदी, जो इसको हटाकर, अब यानी कि सैयद डायनेस्टी को हटाकर खुद लोदी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर देगा दिल्ली में। इस मैप में आपको और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो तैमूरिद एम्पायर भी लगभग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे तैमूर मरेगा उसके बाद इसके जो वंशज आने वाले हैं वो सब आपस में लड़ाई करेंगे, और साम्राज्य टुकड़े में बढ़ जाएगा। और नीचे देखो, यहाँ पर विजयनगर तो बिल्कुल सुरक्षित है, ये आगे जाके ख़त्म होगा, और बहमनी जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर टूटने लगा है। ये थोड़ा सा आगे का मैप है, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है, ये सब जो है ना खानदेश, ये सब विजयनगर का ही, बहमनी का हिस्सा था, ये सब टूट चुका ऑलरेडी। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ऊपर में छोटा सा रीजन में, और ये राजपूत स्टेट है। यहीं पर जो है ना राणा शंघा आने वाला है बाबर के समय वाले काल में, और ये है मालवा, ठीक है। इस रीजन में युद्ध होगा बाबर के समय, वो हम पढ़ेंगे आगे मुगल एम्पायर में। तो अब हम पढ़ेंगे ये उस समय पूरा लगभग आसपास का रीजन है। यहाँ पर देखो तैमूरिद एम्पायर है, और अरब में देख ही सकते हो ट्राइब्स वगैरह रूल कर रहे हैं। यहाँ पर तिब्बत का किंगडम है, ठीक है, यहाँ पर मिंग डायनेस्टी चाइना में है, ऊपर में चगदई खानेत यानी कि मंगोल है, और ये तैमूरिद जो है ना ये भी मंगोल का ही वंशज है, और यहीं से निकलेगा बाबर इस वाले रीजन से आगे।
आगे जाके वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोदी डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, 1451 से लेकर 1526 तक ये राज करेगा, और इसके बाद मुगल आ जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। तो बहलोल लोदी ने इसको इस्टेब्लिश किया था लोदी वंश को। तो बहलोल लोदी वाज द वन ऑफ द अफगान सरदार, ये एक अफगान सरदार था। इससे पहले जितने भी शासक थे वो अफगान और तुर्क का मिक्सचर था, लेकिन ये एक प्योर अफगान था, ठीक है। इसीलिए कभी कभी लोदी वंश को या लोदी डायनेस्टी को अफगान डायनेस्टी भी कह दिया जाता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में देख ही सकते हो कि ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर। जिस समय तैमूर आक्रमण किया था उसी समय ये पंजाब में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था। बाद में जाके आहिस्ते आहिस्ते सैयद डायनेस्टी को ख़त्म करेगा और अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा दिल्ली में, और यही बाद में लोदी को इस्टेब्लिश कर दिया। लोदी के बाद जो है ना, यानी कि बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठेगा 1489 में, 1489 से लेकर 1517 तक ये राज करने वाला है। और इसके बाद बनेगा इब्राहिम लोदी, यानी कि तीन ही यहाँ पर रूलर हुए, एक बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है, और इसके बाद इब्राहिम लोदी होगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी इसी को मार के बाद में बाबर इसको भी ख़त्म कर देगा। सिकंदर लोदी देख सकते हो यहाँ पर बहलोल लोदी का सन था, यानी कि बेटा था। इसने जो कॉन्कर किया बिहार को और वेस्टर्न बंगाल को, तो यूपी तक तो इसका राज था यानी कि लोदी वंश का। उसके बाद बिहार वाले क्षेत्र में जो अभियान चलाए वो चलाए यहाँ पर सिकंदर लोदी ने, और उसको कैप्चर किया बिहार को। और उसके बाद जो बंगाल का क्षेत्र था, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, तो उसको भी यहाँ पर बहलोल सिकंदर लोदी ने कैप्चर किया, और बाद में जाके इसको एक्सपेंड कर दिया और बहलोल लोदी को, लोदी डायनेस्टी को। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी सारे काम किए, उसको डेवलप किया, जिस तरह से फिरोज़ शाह तुगलक कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी में। तो सिकंदर लोदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। अगर हम सबसे पावरफुल रूलर की बात करें लोदी डायनेस्टी में, तो यही है सिकंदर लोदी। और इसने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया, इसने दिल्ली से राजधानी को यानी कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर दिया। पहले आगरा को इस्टेब्लिश किया, यानी कि आगरा शहर को बसाया इसने, और बाद में जाके राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया आगरा में। तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे कि ऐसे कौन शासक थे जिसने दिल्ली से आगरा अपने राजधानी को शिफ्ट किया था, तो वो है सिकंदर लोदी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा इब्राहिम लोदी। 1517 में ये गद्दी पर बैठने वाला है और 26 तक ये रहेगा। 26 में बाबर इसको हटाएगा और यहाँ पर मुगल को स्थापित कर देगा। तो लोदी वंश का ये आखिरी राजा तो है ही, और ये दिल्ली सल्तनत का भी ये आखिरी राजा है, और ये सिकंदर लोदी का ही बेटा है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा कोई नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आके गद्दी पर बैठ गया। लोदी वंश में सारे के सारे जो है ना उसके वंशज ही गद्दी पर बैठ रहे हैं, यानी कि बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी और उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये है कि अफगान के लोग जो है ना, ये लोग थोड़ा सा लड़ाई में आगे रहते हैं और ये फ्रीडम को पसंद करते हैं, यानी किसी के अंदर में जो है ना गुलामी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी जो है सारा पावर अपने पास रखना चाह रहा था, ठीक है, यानी कि जो भी काम करना है पूरा फुल पावर सुल्तान के पास ही रहेगा, इस तरह का ये काम करने लगा। इसी के कारण जो है ना इसके जितने भी लोग थे, जितने भी नोबल्स थे इसके कोर्ट के, ये सब इसके अगेंस्ट हो गए, यानी कि इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। ये ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को फ्रीडम पसंद है और उसको आप दबाना चाहोगे तो वो आपके खिलाफ चला ही जाएगा। और यही काम यहाँ पर हुआ कि अफगान जितने भी थे यहाँ पर इसके कोर्ट में सभी इब्राहिम लोदी के ही खिलाफ चले गए। तो इसमें देखो आगे जाके क्या होगा कि दौलत खान लोदी जो है ये उस समय गवर्नर था पंजाब वाले क्षेत्र का, ठीक है। लोदी वंश में देखो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रीजन होते थे, अब हर जगह राजा तो रहेगा नहीं, अलग अलग रीजन में अलग अलग गवर्नर बनाया करता था। तो पंजाब का गवर्नर उस समय था दौलत खान लोदी, तो ये भी काफ़ी नाराज़ था कि इब्राहिम लोदी को किसी तरह से गद्दी से हटाया जाए और हम लोग पावर में आ जाएं। तो इसने यहाँ पर बाबर को इनवाइट किया कि आओ आप इसको गद्दी से हटाओ। लेकिन यहाँ पर दौलत खान लोदी चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर इब्राहिम लोदी हटेगा हम यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाएंगे, यानी कि दिल्ली पर हमारा राज होगा फिर। लेकिन सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पर बाबर को बुला रहे हो इसको हटाने के लिए, तो बाबर तो पावरफुल होगा ना यहाँ पर, और वो फिर आपको गद्दी क्यों देगा। ये लोग ये सोच के बैठे थे कि इब्राहिम लोदी के बाद यहाँ पर दौलत खान लोदी ही बैठेगा गद्दी पर, हम बाबर को बुलाते हैं हटा के चला जाएगा बाबर। अब यहाँ पर बाबर क्या है, कुछ भाड़े का वो तो था नहीं कि आएगा लड़के चला जाएगा, तो बाबर यहाँ पर आएगा और बाबर खुद ही बैठ जाएगा गद्दी पर।
जिसको हम आगे पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध में 1526 में जो हुआ था। यहाँ पर देख ही सकते हो कि बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुआ था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को मार भी देता है ये, और लोदी वंश को फुल तरह से ख़त्म कर देगा यहाँ पे, और यहीं पे इस्टेब्लिश होगा मुगल वंश दिल्ली के गद्दी पर। तो यही था आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास। तो इसमें हम देख लेते हैं अब एक बार समराइज करके कि हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 712 से स्टार्ट किए, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है। इसके बाद गजनवी आएगा, फिर गोरी आएगा, गोरी यहाँ पर 1191 बिरानवे में दो युद्ध लड़ेगा, 91 में एंड 92 में। तराइन का दो युद्ध लड़ेगा, पहले में हारेगा दूसरे में जीतेगा, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हटाकर दिल्ली पर मुस्लिम शासन को स्थापित करेगा। इसके बाद 1206 में दिल्ली के गद्दी पर बैठने जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर सलेब डायनेस्टी को शुरू करेगा, सलेब डायनेस्टी को दिल्ली के गद्दी पर शुरू करने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आएगा खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद तुगलक, फिर सैयद, और लास्ट में पढ़े हम यहाँ पर अभी लोदी डायनेस्टी के बारे में। इन पांच डायनेस्टी के बारे में पढ़े हम दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक है इसी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, जैसे कि आर्ट कल्चर, यहाँ पर कैसे आर्ट और कल्चर थे, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, तो उन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे प्लानिंग तो है कि आज ही ख़त्म कर दें, लेकिन अगर लंबा वीडियो बनेगा तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लें, आर्ट एंड कल्चर को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी को, और फिर पढ़ेंगे हम मुगल अंपायर को, जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुगल अंपायर मेडिवल हिस्ट्री का जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुगल अंपायर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो अब इस लेक्चर के लास्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कारण थे कि दिल्ली सल्तनत लास्ट में ख़त्म हो गया, इसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखो मैन इसके काउज जो हैं, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट मिलिट्री टाइप हो तो उसके पास जो है ना कभी भी जनता का यानी कि उसके पीपल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी होगा, रिवेलियन हो या फिर कुछ भी होगा, तो वहाँ पर सैनिक का इस्तेमाल हो जाता है, तो पीपल कभी भी भरोसा नहीं करता राजा हो जाते। ये हर एक के साथ होगा, कोई भी साम्राज्य है ना उसके डिक्लाइन में ये कारण होता है, क्योंकि उस समय मिलिट्री गवर्नमेंट ही काम करता है। सबसे पहला पॉइंट ये रहा आपका। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, उसके समय में कोई भी जो है ना कंपिटेंसी नहीं था कि हम अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करें या फिर कुछ और करें अपने साम्राज्य के लिए, वो बस बैठ के राज करते रह गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन, दिल्ली सल्तनत में कोई भी रूल नहीं था कि कौन गद्दी पर बैठेगा अगला, जिसके पास पावर रहेगा, जिसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा रहेगा, भाई दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला है। कोई भी रूल नहीं था कि बड़ा बेटा बैठेगा या फिर छोटा बेटा बैठेगा, जो पावरफुल रहेगा वो बैठ जाता था, ठीक है। तो इसी चक्कर में काफ़ी बार सिविल वॉर हो गया और यहाँ पर काफ़ी लॉस हुआ, और ये भी कारण था एक कि डिक्लाइन हो गया दिल्ली सल्तनत का। इसी में एक और ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कि जब राजधानी को ट्रांसफ़र कर रहे थे दिल्ली से दौलताबाद या फिर कह सकते हो देवगिरी, तो उस समय भी काफ़ी जो है ना साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, वो भी एक कारण है। उसके बाद जो नोवेल्स थे वो खुद बड़ा बनना चाहते थे, ठीक है ना, और वही षड्यंत्र रचने लगे बाद में जाके, तो वो भी एक, क्योंकि ये अंदर से कमज़ोर कर देता है किसी भी साम्राज्य को। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था लास्ट लास्ट में जाके, ठीक है ना, उतना मिलिट्री इफेक्टिव नहीं रहा था। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज है डिक्लाइन का ये भी। फिर कह सकते हो कि फाइनेंस, पैसे का कमी हो गया इससे भी, क्योंकि सिविल वॉर लगातार होते जा रहे थे साम्राज्य में, तो वहाँ पर आपस में लड़ लड़ के और दुश्मन से तो लड़ना पड़ता ही था उस समय, तो उससे भी थोड़ा सा जो है ना कमज़ोर हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो है ना फाइनेंस ही आता है। अगर पैसे आपके पास नहीं तो आप फिर कहीं भी, जैसे अमेरिका है, अगर वो इतना सुपर पावर है तो वो क्यों है, तो उसके पास काफ़ी पैसे हैं, उससे वो हथियार बनाते हैं, बाकी काम वो करते हैं, है ना। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय जो है स्लेव जो था दिल्ली में 180,000 के आसपास तक, सभी को पैसे पेमेंट करने पड़ते थे, तो ये भी कारण था, है ना, ट्रेजरी पर काफ़ी बर्डन आ गया था।
और बाद में जो लास्ट इस पर हैमर पड़ा वो था तैमूर का इन्वेजन। तैमूर ने ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। बाद में जाके रिकवर हुआ लोदी के समय में, लेकिन उतना नहीं हो पाया। बाद में जाके बाबर उसको भी ख़त्म करेगा और फिर से मुग़ल को यहाँ पर फैला देगा पूरे भारत में। तो यही था बेसिकली पूरा दिल्ली सल्तनत। अब इसमें छोटा सा टॉपिक बचा है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कि कैसे आर्ट थे दिल्ली सल्तनत में, उसको डिस्कस कर लें किसी वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा 8-10 मिनट का, और हो सकेगा तो उसी में ऐड कर देंगे कि मंगोल कितने बार अटैक किए थे दिल्ली सल्तनत पर, उसको भी उसी में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को। दोनों अंपायर को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, कोशिश हमारा यही रहेगा ज़्यादा वीडियो ना बनाए। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि वीडियो का लेंथ जो है ना वो काफ़ी छोटा रहे, ताकि आप लोग जो है ना बोर ना हो जाए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।